डायलॉग एक ही लाइन का था बट ही डिड इट सो वेल कि मतलब लोगों की आंखें हल्की सी नम हो गई थी. अगर आपको इस सीरीज में कहीं की भी झलक दिख जाए मैं कुछ भी हार जाऊं. क्या बात है. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर. कोई भी कहानी जब आपको पर्दे पर दिखती है, भले वो पर्दा सिनेमा का हो, टीवी का हो, या फिर आजकल का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल पर हो, उसके लिए एक मुकम्मल कहानी की ज़रूरत होती है और उसके बिना कोई भी सीरीज पूरी नहीं हो सकती. ये बात बताने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ है राइटर विनीत ओम शिवपुरी जी. वेलकम टू जॉइन फिल्म सर. थैंक यू सो मच. ये जो सीरीज बन रही है द मिराज जी, ये किस तरह की कहानी है और इसकी क्या खासियत है? पूरी कहानी खास है. ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने लिखी है, बट टुडे वायलेंस अगेंस्ट विमेन एक बहुत बड़ा मुद्दा है. राइट. ये एक लड़की की कहानी है हु इज रेप्ड एंड फॉर वीमेन इज वेरी डिफरेंट. दे आर मच मोर इमोशनल देन मैन. सो जो ट्रॉमा उसके ऊपर बीतता है एंड हाउ शी फाइट्स बैक ओके एंड गेट्स रिवेंज ओके इट्स बेसिकली अबाउट दैट. तो मतलब उसकी लाचारी की बात नहीं है, आज की लड़की की बात है जी, जो रिवेंज तक भी जा सकती है. जी बिल्कुल. अगर वो मतलब जवाब दे तो क्या होगा आज की बात क्यों? प्राचीन टाइम से शक्ति का रूप तो लेडी है. राइट. तो वो शक्ति का रूप जब होगा तो क्या होगा? मर्दों ने बहुत दबाने की कोशिश की पर अल्टीमेटली दबता तो मर्द ही है. राइट. चाहे बाहर हो या घर हो. करेक्ट. वुमन रूल. द स्टोरी इज अबाउट अ वेरी स्ट्रांग वुमन हु किल्स हर सोल, हु किल्स हर सेल्फ टू सीक जस्टिस. ओके. एज अ राइटर जब आप एक कहानी सोचते हैं, एक थॉट आता है मन में, जैसे इसमें है कि मुझे एक वुमेन पे कहानी बनानी है जहाँ पे की रेप है और वो रिवेंज लेगी, लेकिन उसके साथ साथ जब किरदार गढ़ते हैं तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ये कैसे होता है टेक्निकली कि कहानी? काश मैं इसका जवाब दे पाता. मेरी एक बार एक और क्रिएटिव से बात हो रही थी, वो एक्टर है. मैंने बहुत बहुत अच्छा किया तूने ये. सो उसके बाद उसकी वो लाइन मैंने ढाप ली है कि मैं करता नहीं हूँ, वो करवाते हैं. अच्छा. मैं तो बैठे रहता हूँ, वो बोलते हैं मैं लिख देता हूँ. तो इट्स वेरी सिंपल. तो अगर मैं आपको बैठ के लंबी चौड़ी कहानी बताऊंगा कि नहीं मैं बैठ के सोचता हूँ, मैं वीरान जगह पे चले, दैट्स ऑल बुलशिट. आई डोंट डू दैट. ऐसे किरदार निकलते हैं जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं. हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है. आप मेरे को ऐवे ही थप्पड़ नहीं मारेंगे, पर अगर मैं आपको मारूंगा तो आप मारेंगे ना थप्पड़. दैट्स ह्यूमन नेचर. तो कैरिकेचरिश इसमें एक भी कोई कैरेक्टर नहीं है. ओके. They're all humans. But at the same time, every human has his own characteristics, nuances. So, वो हम लोग ने incorporate किया है script में. जी, normally क्या होता है, जब एक भीड़ होती है, group होता है, तो उसका reaction बहुत जल्दी दिखता है, उसका feedback बहुत जल्दी दिखता है. जैसे film हम देख रहे हैं, reaction audience का दिख जाता है. जी. TV में एक family का reaction है, बहुत अच्छे से दिख जाता है. जी. अभी जो content individually जा रहा है. जी. उसकी nerves पकड़ना, उसको audience को समझना, कि ये रिएक्ट करेगा मेरे उस पर, फीडबैक देगा. हम लोग ने रीडिंग की. ओके. 40 आर्टिस्ट थे. वो रोए भी, हंसे भी. ओके. तो एक फोकस ग्रुप जैसा भी हो गया. हाँ. हमारे लिए. प्लस हम आई बीन वॉचिंग द मॉनिटर, बट मोर देन द मॉनिटर आई बीन वॉचिंग द पीपल्स रिएक्शंस एट द मॉनिटर. ओके. कि आर दे वो रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ओके. तो हालांकि कल की बात है, साजिद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं करण हमारे, तो उनका एक डायलॉग था. तो बहुत सारे लोगों की डायलॉग एक ही लाइन का था बट ही डिड इट सो वेल कि मतलब लोगों की आंखें हल्की सी नम हो गई थी. मैंने कहा लोग फूट फूट के रोए और चूड़ियाँ तोड़ी दीवारों पर हाँ इमोशनल हो गए थे. तो जो हमारे लिए एक एडवांटेज ही है और कि वो असर दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ ये ऑडियंस पे भी वर्क करेगा. जी बिल्कुल. ऊपर वाले की दुआ से, क्यों नहीं. ओके. बोलते हैं कि एक्टर को बड़ा अच्छा ऑब्जर्व होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, विजुलाइजेशन. तो जो आपसे बातें कर रहा हूँ, मतलब एक राइटर के पास भी ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए. नहीं होगा तो कैसे लिखें? अगर विजुलाइजेशन नहीं है तो लिख ही नहीं सकते आप. और अगर आपके यू हैव टू फील फ्रॉम डिफरेंट पर्स्पेक्टिव्स कि ये अगर मैं ये होता तो मैं कैसे फील करता, ये कैरेक्टर कैसे फील करता, ये कैरेक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करता. बस यही है, इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली. ओके.
अब जो ऑडियंस है बहुत तेजी से बदल रही है, उसका माइंडसेट बहुत तेजी से बदल रहा है क्योंकि वो ग्लोबल कंटेंट देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ऐसे में एक राइटर को कितना अपग्रेड रहना चाहिए? आई एम सेइंग अगर कोई एक सोच रहा है, ग्लोबल एक सोच रहा है, आपको कोशिश करनी चाहिए आप 10 सोचो। ओके, जो हमने किया है ऊपर वाले की दुआ से, आप देखें राइट, अल्टीमेटली आई थिंक द नेक्स्ट इंटरव्यू भी आई विल बी इंटरव्यूइंग यू, जहां वेयर आई विल आस्क यू व्हाट डिड यू फील। ओके ग्रेट। पहले बीच में एक दौर आया था विनीत जी, जब ना बाहर की हॉलीवुड की चीजों को देखकर डेवलप की जा रही थी प्रोजेक्ट्स, फिर अब जब आया है कि अपनी आसपास की स्टोरीज पे काम होने लगा है, हाँ जी, ये कितना अच्छा हुआ है क्रिएटर्स के लिए। एक कहावत है ना, नक्कल में भी अक्कल होनी चाहिए, वो हाँ। अक्कल भी चली गई थी एक टाइम पे, हाँ। और इसको आप एक तरीके का घमंड कह लीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम इंडियंस बहुत ही क्रिएटिव हैं, देयर इज नथिंग दैट वी आर नॉट केपेबल ऑफ एनी फील्ड। तो मुझे बहुत दुख होता था कि क्या है, क्यों हम लोग दिमाग नहीं है क्या हमारे पास? तो अगर आपको इस सीरीज में कहीं की भी झलक दिख जाए, मैं कुछ भी हार जाऊं। क्या बात है, थैंक यू विनय जी, थैंक यू, थैंक यू, लवली टू हैव मेट यू, थैंक यू, टेक केयर। तो जो विनय जी ने कहा है कि आपको ऐसी कोई झलक नहीं मिलेगी कि कहीं आपने पहले से उसको देखा हुआ, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। इसको देखने के लिए आप डॉन सिनेमा को डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के अच्छे अच्छे शोज को देखिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।